हार गया मैं खुशियों को खोजते, जीत गया गम उनवान छपेगा। कि ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ भी प्लांटेड नहीं होता है, ये लक बेस होता है। अच्छा, बुलाया नहीं जाता, ये चैनल पे आपने अप्लाई करना होता है। जब वो एप्लीकेशन फर्दर नंबर में आती है, रैंक्स में आती है, तो वो उन पार्टिसिपेंट्स को कॉल करते हैं। चूँकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से शायरी और अदब में है, तो रेडियो ने इसको मज़ीद पॉलिश किया। वेलकम नाज़रीन, नए न्यूज़ SD के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, मज़ाकरात के शो की स्क्रीन में जादू दिखाने वाले आरज़े तैयब हुसैन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनके वोकल ने उस शो में सब लोगों पे सहर तारी कर दिया। कोई भी शख्स ऐसा नहीं था जो कि दाद दिए बगैर नहीं रह सका। तैयब भाई, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको अंदाज़ा था कि आपको इतना माशाल्लाह फेम मिल जाएगा? वैसे भी आप फैसलाबाद की बहुत वेल नोन पर्सनैलिटी तो हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड आपको फेम मिल रहा है। हाँ जी, अल्लाह ताला जो है वो कहते हैं कि इंसान को उसकी हैसियत से ज़्यादा नवाज देता है, और मेरा ख्याल है, बल्कि कामिल यकीन है, कि ये सिर्फ इस बात की निशानदेही है, गमाजी करता है, कि अगर इंसान मेहनत करता रहे तो यकीन उसे उसका फल मिल जाता है। तो रेडियो पे बहुत अरसा मेहनत की, 8 साल का काम है, और अभी भी इससे वाबस्त हैं, तो अल्लाह ताला ने जो रास्ता मुंतखब किया था इज़्ज़त का, शोहरत का, वो आप सबके सामने। बिल्कुल, हमने देखा। और मुझे ये बताइए कि आपको सबसे पहले कैसे पता चलता है, आप कैसे जाते हैं मुज़ाकरात शो में, और क्या पहले से आपको इल्म था ये सारा प्लांटेड था, ये क्या स्क्रिप्टेड था? अच्छा, देखने वाले जो हमारे व्यूवर्स हैं उनमें से बहुत सारों के लिए ये बात नई होगी कि ये कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ भी प्लांटेड नहीं होता है, ये लक बेस होता है। आप एज अ ऑडियंस अप्लाई करते हैं चैनल पे और जाते हैं, और एक सेगमेंट उसमें उन्होंने डिज़ाइन किया होता है जिसमें वो ऑडियंस के साथ बात करते हैं, और अगर उसमें आपकी टर्न आ जाए और आप फंबल ना करें माइक के साथ, तो फिर वो क्लिप आप सबके सामने आ जाते हैं। और वो हमने क्लिप भी देखा, माशाल्लाह बहुत वायरल हुआ। तो जब आपसे वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो क्या आपको अंदाज़ा था कि ये वायरल होने वाला है? अच्छा, जिस तरह कि आप और हम मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हमें कुछ फेम और स्टारडम का पहले से अंदाज़ा होता है, और हमें पता होता है कि हम जो आम लोग हैं उनसे ज़रा हट के हमारा वे ऑफ टॉक है, हमारा टोन है, हमारा वोकल है, लेकिन इस कदर अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर ये पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और रेडियो पे तो स्ट्रीमिंग पे शोज जाते हैं हमारे, लेकिन बिग स्क्रीन पे, सिल्वर स्क्रीन पे लोगों ने जब इसे देखा है, तो फिर आप यकीन जाने कि ये बस शुक्र है, शुक्र के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि सेम एज इट इज़ जैसे आपने शो में बोल के दिखाया, आपने शो की स्टार्टिंग की, तो वो हमारी स्क्रीन पे भी अगर आप करना चाहें। मैं अपने दौर से पहले जो आ गया हूँ यहाँ, रिवायतों से मेरा इन्हराफ बनता है, मैं तेरे वास्ते लड़ता रहा दुनिया से, तेरा बयान ही मेरे खिलाफ बनता है। स्टूडियो की डायल मशीन पे वक्त हो जाता है 7:50, आवाज़ आप सुन रहे हैं तैयब हुसैन की, मुझे कहते हैं तैयब हुसैन। साल के 365 दिनों में ख़त्म होता अब दिन शुमार 249, और बकाया रह जाने वाले दिनों की तादाद 117। इस प्रोग्राम में मेरा और आपका साथ हुआ करता है 120 मिनट के दौरानिए, पर हर इस प्रोग्राम में हुआ करती हैं कुछ वो बातें जो मैं कहना चाहता हूँ, कुछ वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं। तो थामिए मेरा हाथ और बन जाइए इस प्रोग्राम के मुसाफिर, जिसका नाम हुआ करता है गूंजते सन्नाटे। बहुत खूब सर, मुझे ये बताइए रेडियो का आगाज़ कैसे हुआ? आप बाय चॉइस इस फील्ड में आए हैं या बस लक बेस्ड था? नहीं, रेडियो मैं समझता हूँ कि रेडियो बाय चॉइस नहीं है, रेडियो एक पैशन है। और फैसलाबाद में जब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 101 जब इंट्रोड्यूस हुआ, लॉन्च हुआ, तो इसको हमने सुनना शुरू किया। और जाहिर तौर पर उस दौर में इंटरटेनमेंट के लिए कोई और सोर्स नहीं था, मोबाइल से और सोशल मीडिया नहीं था, तो फिर हम लोग रेडियो सुनते थे, और RJ के लिए फिर सुनने वालों को भी शौक होता है। हमने इसे 20 आवर्स तक सुना, शोज़ नोट डाउन किए, रिकॉर्डिंग्स किए, सुनते थे, मिलने जाते थे स्टेशन के लोगों से, RJ जो होते थे, और फिर दिल में ये ख्याल आया कि क्या हम भी इसे कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, क्योंकि पॉपुलैरिटी और फेम मिलता था, सभी को चाहिए होता है। तो वो एफर्ट्स करते करते बहुत सारे फेलियर्स भी आए, ऑडिशन में बहुत सारी रिजेक्शन भी देखी, फिर फाइनली ब्रेक डाउन मुझे इसका ब्रेक थ्रू मिला है 2016 में, जब एक लाइव ऑडिशन हुए और एक FM पे रात में, रात की ट्रांसमिशन, और एक सीनियर आर्टिस्ट जो हैं RJ जो है उसे वो होस्ट कर रहे थे,
और वो पूरे पाकिस्तान में एक ओपन चैलेंज के तौर पे था, और उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और उसमें मुझे वर्ल्ड वाइड उसमें वोटिंग हुई और पूरे पाकिस्तान में मैंने उसमें रैंक फर्स्ट कर लिया। जब मैंने रैंक फर्स्ट कर लिया तो वो अब मेरे लिए रेडियो के दरवाजे खुल गए थे, तो मैंने रेडियो ज्वाइन किया। उन्हीं दिनों में गवर्नमेंट रेडियो पे जॉब्स आई और फिर मैंने वहाँ अप्लाई किया और अपना करियर जो है मैंने रेडियो पाकिस्तान से स्टार्ट किया। माशाल्लाह बहुत खूब। और मुझे ये बताइए कि रेडियो पे आपकी आवाज़ शुरू से ही ऐसी थी या आपने अपने वोकल पे किस कदर अपने मेहनत की है और ये कैसे आवाज़ को खूबसूरत बनाया जाता है? अच्छा, रेडियो पे आने के लिए बहुत सारे लोग हमसे भी सवालात करते हैं और आप लोगों से भी ज़ाहिर तौर पे वास्ता रहता है कि लोग टीवी में या रेडियो पे आना चाहते हैं। रेडियो पे आने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या सुनाना चाहते हैं। चूँकि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शुरू से शायरी और अदब में है, तो रेडियो ने इसको मज़ीद पॉलिश किया है और आवाज़ को बना कर रखने के लिए थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ती है। आवाज़ के लिए ठंडा पानी ज़्यादा नहीं पीते, स्पाइसी खाने नहीं खाने पड़ते, बेहतियाती नहीं होती है, तो बस वो आवाज़ अल्लाह ताला की देन है, बस उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे ये बताएं कि आपने शो के बाद आपको माशाल्लाह बहुत फेम मिला, जब आप वापस आए तो लोगों ने रब्ता किया होगा और लोगों ने देखा होगा, अच्छा ये तो वो है जिनको हमने स्क्रीन पे देखा। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे होता है। चूँकि मैं सुबह एक बहुत बड़े ब्रांडेड कॉलेज ब्रांड के कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तालीम के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में मिले आके मुझे। जब हम रोड्स पे ट्रैवल करते हैं या मार्केट में जाते हैं या होटल्स में जाते हैं तो लोग हमें आइडेंटिफाई करते हैं कि यार ये तो वही बंदा है जो वहाँ पर आया था। अक्सर लोग आते हैं, मुलाकात करने आते हैं। उसके अलावा रेडियो पर बहुत सारे विजिटर्स आए और अप्रॉक्स तकरीबन इसे 40 लाख लोगों ने जो है इसे व्यू किया था इस फाइल को। तो दुनिया भर से जो आजकल सोशल मीडिया उस पर हमें रिक्वेस्ट आ गई हैं, मैसेज आ गए हैं और इनविटेशंस आते हैं, तो बस चल रहा है सिलसिला, एक अच्छा लग रहा है सिलसिला सारा। सही, तो मुझे ये बताइए नेक्स्ट भी कोई प्लान है किसी टीवी शो में जाने? हाँ जी प्लान है और एक दो ऑफर्स भी हैं और इंशाल्लाह ताला फिजिबल टाइम में उसको मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बात के लिए भी पूरी कोशिश है कि बहुत जल्द किसी टीवी शो में आपको उस करते हुए भी नज़र आए इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह हमारी भी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। और स्पेसिफिकली मैं मुज़ाकरात के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपको कैसे इदराक हुआ कि मैं जाऊँगा, आपने ख़ुद अप्लाई किया या आपको बुलाया गया? अच्छा बुलाया नहीं जाता, ये चैनल पे आपने अप्लाई करना होता है और आप चैनल पे अप्लाई करते हैं और जब आपकी टर्न आ जाती है, क्योंकि हर एक टोकन नंबर होता है एप्लीकेशन का, जब वो एप्लीकेशन फर्दर नंबर में आती है, रैंक्स में आती है, तो वो उन पार्टिसिपेंट्स को कॉल करते हैं कि आपका फॉर्म आया हुआ है, इधर आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, तो इस दिन में इस शो में इस लोकेशन पर टाइमिंग पर आप पहुँच जाइए। जब हम वहाँ पहुँच जाते हैं तो वो अरेंजमेंट्स करते हैं हमारे बिठाने का, और एक बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ता है इसके लिए, और उसके बाद जिस दिन पहले मंजूरी हो जाती है तो उस दिन टीवी पे आ जाते हैं हम लोग। मैं चाहता हूँ कि ये जो ख्वाहिश है ये तो पूरी हो गई, मजीद भी कोई ख्वाहिशात हैं जो कि पूरी होनी बाकी हैं? बस मीडिया से ताल्लुक़ है तो इस हवाले से ये है कि टीवी पे कहीं काम करने का हमें मौका मिले, और जो लोग आज तक आवाज़ की दुनिया से जुड़े हुए हैं रेडियो से, तो अब उन्हें हम टीवी स्क्रीन पर भी कहीं ना कहीं होस्ट करते नज़र आए। सर पर्सनल सवाल मैं आपसे अगर करना चाहूँ कि एज ए आरजे आप कितना कमा लेते हैं, मतलब अगर जो लोग सुन रहे हैं वो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या ये फिजिबल है उनके लिए? अच्छा रेडियो अगर तो आप जिस तरह कि आपने कहा कि एक क्वेश्चन है बड़ा डीप और इसको मैं एलेबरेट भी कर देता हूँ ताकि सबके लिए मुश्किल आसान हो जाए। रेडियो आपका किचन नहीं रन करता है, रेडियो आपका किचन रन नहीं करता है, रेडियो आपका शौक पूरा करवाता है। और रेडियो में आने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप कहीं ना कहीं वाबस्ता रोज़गार हो जाए, आप प्रोफेशनल फील्ड में कामयाब हो, और उसके बाद एज अ पार्ट टाइम आप इसको शौक के तौर पे, इंगेजमेंट के तौर पे, अपना कैथारसिस के तौर पे आप रेडियो को ज्वाइन करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि रेडियो पे आएंगे और नाम कमाएंगे और पैसा कमाएंगे और घर चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। तो रेडियो आपको किचन रन करने में हेल्प आउट नहीं कर रहा, रेडियो आपको बस ट्रैवलिंग का खर्चा और इस तरह से मामला को डील करता है, लेकिन टीवी आपको टेलीविज़न जो है जो बड़ी स्क्रीन है वो एक बहुत हैंडसम पे करते हैं। ठीक है सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है। सर जो वीडियो आपकी वायरल होती है उसमें आपने अपने शो का नाम लिया है गूंजते सन्नाटे। सर बहुत यूनिक नेम है, और ये शो हम कहाँ पे सुन सकते हैं और कितने बजे सुन सकते हैं? अच्छा हज़ारों मैसेज आए हैं इस हवाले से कि ये प्रोग्राम में हम किस तरह एंगेज हो सकते हैं, तो आप इसे FM 103 पे सुन सकते हैं सोमवार और मंगल की शाम 8 बजे से लेके 10 बजे तक। 2 दिन हफ्ते में ये प्रोग्राम होता है और ये FM 103 के लाइव ट्रांसमिशन में आप इसका हिस्सा बन सकते हैं,
और इसमें कुछ अशार और कुछ शायरी की और क्लासिकल सी बातें होती हैं। वेरी लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई पोइट्री हमें सुनाना चाहें अपनी लिखी हुई या फिर कोई भी जो आपको पसंद है, चूंकि आपका जो शो है वो भी इस बीच पे ही होता है। मैं आपको कुछ अशार हैं जो मैंने एक मुशायरे में पढ़े हैं रिसेंटली, जिनको दुनिया भर में पज़ीराई मिली। जब मेरा दीवान छपेगा, जब मेरा दीवान छपेगा, घाटे का इंसान छपेगा। हार गया मैं खुशियों को खोजते, जीत गया गम उनवान छपेगा। टूटे हैं लोग यहाँ दिलों को जोड़ते, तोड़े ना कोई दिल ये फरमान छपेगा। एक लाश चीख और खामोशी, एक लाश चीख और खामोशी, मिला है बस यही सामान छपेगा। चर्चा है मेरा आज धरती के वासियों में, चर्चा है मेरा आज धरती के वासियों में, मर गया अनजान इंसान छपेगा। जब मेरा दीवान छपेगा, घाटे का इंसान छपेगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये थे आरजे तैयब हुसैन, जिनको आपने स्क्रीन पे देखा और इनकी वीडियो वायरल होती देखी, और इनसे हमने बहुत मज़े मज़े के सवालात किए। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।